मुरादाबाद शहर में लगातार आईपीएल की तर्ज पर टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं। शहर के केजीके कॉलेज स्थित क्रिकेट मैदान पर मुरादाबाद क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कराया गया। 20 ओवर के इस मैच में 8 टीमें भाग ले रही हैं और इस टूर्नामेंट का समापन 12 जून को किया जाएगा। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि समापन के अवसर पर विजेता टीम को 1,00,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। मुरादाबाद शहर लगातार खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आईपीएल की तर्ज पर मुरादाबाद में टूर्नामेंट भी आयोजित किए जा रहे हैं। खिलाड़ियों को एक बेहतर मंच देने के लिए सभी के प्रयासों से काम भी हो रहे हैं। मुरादाबाद शहर के लाइनपार स्थित केजीके कॉलेज के मैदान में साइन क्रिकेट अकेडमी द्वारा मुरादाबाद क्रिकेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया। शुभारंभ के अवसर पर यह जानकारी दी गई कि मुरादाबाद जनपद के अलावा आसपास के जिलों की 8 क्रिकेट की टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं। 20 ओवर के इस मैच में प्रतिदिन 2 मैच संपन्न कराने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास भी होंगे। इस टूर्नामेंट का समापन आगामी 12 जून को होगा और समापन के अवसर पर विजेता टीम को 1,00,000 रुपए और उपविजेता टीम को 75,000 रुपए का इनाम देने के लिए आयोजन समिति काम करेगी। उद्देश्य यही है कि क्रिकेट के खेल में युवाओं को आगे बढ़ाया जाए और इसी उद्देश्य को लेकर हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये कासिम भाई, मुरादाबाद क्रिकेट चैंपियनशिप का आज उद्घाटन हुआ है केजीके कॉलेज लाइन पर मुरादाबाद में, और आज का ये जो पहला मैच है पेंटा स्पोर्ट्स और एवरग्रीन के बीच में खेला जा रहा है आपके सामने। आज ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है 4 तारीख को और 12 तारीख को संडे के दिन इसका फाइनल मैच होगा। कितनी टीमें भाग ले रही हैं इसमें? टोटल 8 टीमें भाग ले रही हैं, कुल मिलाकर 8 फ्रेंचाइजी हैं और एक बहुत शानदार आयोजन की उम्मीद है। और आप सामने देख ही रहे हैं, भव्य आयोजन करने का प्रयास किया गया है। कितने ओवर का मैच है और समापन पर विजेता टीम को क्या प्रोत्साहन? ये 20-20 ओवर का T20 फॉर्मेट है और जो टीम इसमें फाइनल विजेता घोषित होगी उसको 1,00,000 रुपये का प्राइज है और जो रनर्स अप रहेगी उसको 75,000 रुपये मिलेंगे। क्या उद्देश्य है पुरस्कार? उद्देश्य कासिम जी यही है कि जिन बच्चों को प्लेटफॉर्म यहाँ नहीं मिल पाता या आगे नहीं मिल पाता, अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पाते हैं, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म जो है आपके सामने हमने रखा है। बच्चों का सिलेक्शन किया है, बाहर से सिलेक्टर आए थे, उन्होंने बच्चे सिलेक्ट किए अच्छे अच्छे और यहाँ अपनी ये सफलता अर्जित करते हैं तो उसके बाद अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए अपना नाम रोशन करें।